लगी क्या? ये क्या करती हूँ पतंग की तरह यहाँ वहाँ घूमती रहती है? तेरे को 50 मरते बोला लड़कियों के हॉस्टल में रहकर और कुछ दिन लंबे झाड़ में अटकी ना तो लटकती रह जाएगी। इसलिए तो कहती हूँ मुझे गले लगा ले राजा राम। तेरे को मैं गले लगा लूँ? मैंने मेरे गले का बीमा नहीं करवाया, जूस नहीं निकालना है। और तू लड़कियों की हॉस्टल की क्या है? वार्डन हूँ। इधर है, सीधर है। जो वार्डन खुद मोहब्बत की चिट्ठियाँ बांटते फिरेगी वहाँ की लड़कियों का क्या होने वाला है? नजर नीचे कर, थोड़ा शर्म कर, घूम जा। वाह क्या शेर कहा आपने राघव जी, वाह रेश, वाह वाह, ही तो आपकी शबाब की है मुतरमा। हमारी शायरी तो आपकी शबाब तक पहुंचने के लिए कलाबाजियां खा रही है, लपक रही है बस। फिर एक और शेर कह डाली ना। चलिए आपने कहा और हमने शेर कह दिया, अभी अभी नया नया टपका है तो सुनाइए ना इरशाद। अर्ज किया है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओडले, वाह क्या शेर है, आगाज जिंदगी से और अंजाम उड़ले ही हूँ। कितना नया, कितना गहरा। इस ख्याल की गहराई आप ही नाप सकती हैं बस। मोहब्बत की दुकान चल रही है, नहीं चलने दूंगा। इश्क नहीं करने दूंगा। प्रोफेसर राघव, पढ़ाना लिखाना सिखाना सब छोड़ के फॉरन प्रिंसिपल की ऑफिस में आइए। कम्बख्त शीशे की दुकान में भैंसे की तरह आतंका है। चले जाइए, शायद कोई जरूरी काम होगा। अरे मोहतरमा, जो इंसान खुद जरूरी ना हो उसका काम कहाँ से जरूरी हो सकता है। इस बात पे एक शेर अर्ज किया है कि मोहब्बत के 3 दांत टूट गए। चले जाइए ना। अच्छा आप कहती है तो चले जाते हैं। इनकी शक्ल कैसी भी हो, ओहदा तो प्रिंसिपल का है। पता नहीं ये धरती पे बोझ पैदा कैसे हो जाते हैं। बड़ा शौक है तुम्हें लाउडस्पीकर पे अपनी आवाज सुनाने का, फरमाइए किस लिए याद किया? सुना है हमारी पूना वाली जमीन पे झोपड़पट्टियां बन रही हैं, तुम जरा जाकर इंक्वायरी करके आओ तो। पूना वाली जमीन, ये अचानक आकाशवाणी कहां से सुन ली तुमने? बहरहाल इतवार को चला जाऊंगा, अभी नहीं जा सकता, चलती क्लास छोड़ के आया हूं। तुम्हारी क्लासेस कहाँ कहाँ चलती हैं और कहाँ कहाँ जमती हैं सबकी खबर हम रखते हैं गुरु। उस लेक्चरार के आंचल में ऐसे फंस गए हो कि बाप दादा की जमीन जायदाद की परवाह नहीं रही तुम्हें। हमारे बाप दादा को हमारी परवाह कौन सी थी, वरना वसीयत में तुम्हें क्यों छोड़ जाते। ठीक है चला जाता हूँ, जाओ। अब उस लेक्चरार दुलारी को बताता हूँ। अबे बेवकूफ, भाई की तरह दाढ़ी तो लगा ली, मगर ये क्या सूट पहन के दुलारी से मिलने जाएगा? ओह बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। भाई ने क्या कपड़े पहने थे? वो सफारी। तुम गए क्या, जग हुआ अंधा कुआं, रेल छूटी रह गया केवल धुआं। गुनाते हम फिरे सब रात, हाथ के रुमाल सा हिलता रहा मैं। अब आप लोग इसकी व्याख्या कीजिए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। अरे मैं कब तक भाइयों की दाढ़ी मूछ लगा के। ऐसे भी क्या जल्दी थी, जल्दी क्लास छोड़कर आई हूँ मैं। आप जानते हैं ना स्टूडेंट्स आपका नाम लेकर मुझे छेड़ते हैं, उसके बावजूद भी आप मेरे क्लास के बाहर आकर खड़े हो। अरे तुम बैठो तो सही, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, रेखा हेमा तक यहाँ बदनाम हुई। वाह क्या शेर है, नया है क्या? बस अभी अभी लिखा, यहाँ बैठ के यही सब तो कर रहा था। आज अब बहुत मूड में है। अरे जो मूड में लिखा वो सुनाऊंगा ना तो फड़क उठोगी। तो सुनाइए ना। सुनाओ। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना चोड़ी, हो जाए। चोड़ी नहीं, मैं प्रिंसिपल से कह दूंगी। अरे जानम, मनोज कपड़े, मनोज दाढ़ी, सूट क्या, मैं खुद पकड़ा गया। May I come in, sir? Shut up! Come in. Sir, मैं आपके पास एक छोटी सी कंप्लेंट लेकर आई हूँ। फरमाइए। सर, आपके जो भाई है ना राघव जी, उन्होंने मुझे छत पर बुलाकर मेरे साथ बहुत बुरी हरकत की सर। मैं शर्म से पानी पानी हो गई सर। अरे रे रे रे। लानत है उस पर, मतलब बहुत ज्यादा बुरी हरकत की। यस सर।
मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगता हूँ, मुझे मतलब उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं ये कह रहा था, आप एक अच्छी खासी समझदार लड़की हैं, उस दाढ़ी वाले के चक्कर में कैसे फंस गई हैं? पता नहीं सर। मैं देखिए, मैं ये कहना चाहता था कि जरा अकल से काम ले तो उसको भुला दीजिए आप। हाँ, क्या क्या दाढ़ी वाले में क्या रखा है? हम लोग है ना, कभी हमारी तरफ भी देखिए, हम बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत प्यार करते हैं। खानदान में क्या? नहीं नहीं, मैं दरअसल ये कह रहा था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यार विजय, क्या लड़की आई है अपने कॉलेज में? अच्छा, हॉस्टल में रहती है लड़की, क्या है, कयामत है कयामत। उस लड़की के आने से तो ये कॉलेज ताजमहल लगने लगा है। अरे यार ज्यादा तारीफ मत कर, दिल कहीं धड़कना शुरू हो गया तो डबल मेहनत हो जाएगी। अरे अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसके प्यार का ट्यूशन भी लेना पड़ेगा। अरे विजय भूल जा, एक तो वो खूबसूरत, दूसरा वो जानती है वो खूबसूरत है, बहुत तेरे जाल में नहीं फंसने वाली। सुरीली सीटी थी, आप मुझे भी सीटी बजाना सिखाएंगे प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इट्स वेरी सिंपल। इस तबले की आवाज कैसी लगी, सुर में थी? आइंदा अगर मुझे देखकर सीटी बजाई तो जिंदगी भर इस मुंह से बेसुरी आवाजें निकलेंगी, समझे? जाने जाने जाना जाने ना, पम 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 पम, प्यार में इसके मैं हूँ पागल, ये दीवानी माने ना, पम 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 पम। मौसम है सुहाना, जरा बाहों में आना, अब और न तड़पाना, पम 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 पम। मैं हूँ आशिक दुनिया, जाने जाने जाना जाने ना। I'm gonna go.
कई दिल की चोरी, तेरा भी दिल चुराऊंगा मैं। अपना तो है इरादा, करता हूँ पक्का वादा, तुमको अपना बनाऊंगा मैं। नजरों से पिलाना ये है दिल का लगाना, अब और न तरसाना। दुनिया जाने जाने जाना जाने ना, पम 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 पम, प्यार में इसके मैं हूँ पागल ये दीवानी माने ना, पम 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 पम। मौसम है सुहाना, तारा बाहों में आना, अब और न तड़पाना। पम 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 पम। पम 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 कम कम कम। अरे चपरासी, जाओ विजय को बुला के लाओ। कौन मैं? हाँ तुम कहीं के राजा हो, महाराजा हो, कॉलेज के प्रिंसिपल हो, कॉलेज को डिस्को बना रखा है। ए विजय, जा तेरे को वो हिटलर बुला रहे। हिटलर? कौन हिटलर? अरे तेरा हेडमास्टर यार। अरे प्रिंसिपल साहब कहिए ना राजा राम जी। उसके लाइफ में कोई प्रिंसिपल है जो मैं उसको प्रिंसिपल बोलूं? मैं प्रिंसिपल हूं इस कॉलेज का, हर एक से पूछताछ करना मेरा हक है। और मैं तुमसे पूछता हूं, आज के लिए कॉलेज में क्या हो रहा है? तमाम लड़के रोमियो बन गए और तमाम लड़कियां जो वो जूलियट। बच्चे हैं रघुपति, थोड़ी बहुत मौज मस्ती कर लेते तो हर्ज क्या है। अच्छा, और पढ़ाने लिखाने वाले मास्टर जो दिल लगाते फिर रहे। राघव, तुम्हें इस उम्र में दुलारी के गोद में मुशायरा करना शोभा नहीं देता है। तकदीर ने हम तीन भाइयों को एक साथ पैदा तो कर दिया, तुम्हें शाहजहां की कुर्सी पर भी बिठा दिया, लेकिन मुमताज और अनारकली हम दो भाइयों को घास डालती है तो तुम्हें जलन होती है। जले मेरी जूती, इडियट। मे आई कम इन सर? सुनो, पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान दो, दूसरे कामों पे कम, चले जा। जी सर, आपने मुझे बुलाया? जी, आपसे एक राय लेनी थी। मुझसे? जी, कॉलेज में नाच गाना तो हो ही रहा है, पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? बंद कर देते हैं इसको, वो डांसिंग स्कूल बना दे। विजय, तुम्हारी वजह से कॉलेज के स्टूडेंट ही नहीं, लेक्चरर चपरासी सब बिगड़ते जा रहे हैं। आई एम सॉरी सर, आगे से ऐसा कॉलेज में नहीं होगा सर। दिस इज द लास्ट वार्निंग, इसके बाद कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कान पकड़ के कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा। बिहेव योरसेल्फ, आउट। सॉरी सर। सुनो, वो जो नई एडमिशन आई है उसके साथ कुछ दोस्ती हुई? जी तुम बंद करो ये नाच गाना। क्या हो रहा है ये सब? कौन हो तुम लोग? माँ जी, मेरा नाम अनीता है और ये सब मेरी सहेलियां हैं। हम लोग विजय के कॉलेज में पढ़ते हैं। दरअसल वो विजय 15 दिन से कॉलेज नहीं आया ना, इसलिए। क्या बकवास कर रही हो अनीता? डरो नहीं विजय, माँ तो सारी गलतियां माफ कर देती है। उस लड़की ने भी तुम्हें माफ कर दिया। लड़की? कौन लड़की रे? किसे डांटिएगा नहीं माँ जी, दरअसल इसने एक लड़की को छेड़ दिया था, उसे प्रिंसिपल को शिकायत करने की धमकी दी तो ये डर गया, शायद इसीलिए कॉलेज नहीं आता। क्यों विजय? घबराओ नहीं विजय, अब तुम बेधड़क कॉलेज आना, मैंने उसे समझा दिया है, उसने शिकायत नहीं की। तो तू कॉलेज पढ़ाई करने के लिए नहीं, आवारा गर्दी करने के लिए जाता है। माँ ये झूठ। अरे आवारा से याद आया, वो तुम्हारा आवारा लुक्का दोस्त तुमसे मिलने आया था। कौन आवारा लुक्का दोस्त? हा? अरे वही जिसके साथ मिलकर तुम नकली मार्कशीट और सर्टिफिकेट बनाते हो। क्या नकली मार्कशीट? हाँ माँ जी, ये लड़के पढ़ते लिखते तो है नहीं, नकली सर्टिफिकेट दिखाकर घर वालों को खुश कर देते हैं। अब हम चलते हैं। विजय कल कॉलेज जरूर आना। हाँ वो क्या है कि तुम्हारी मस्ती के बिना कॉलेज बहुत सुना सुना लगता है। बाय।